एसबीएस न्यूज लाइव पर खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रेती तस्करी में 12 डंपर जब्त, लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन। भतीजे की शादी से लौटते वक्त चाचा की दुर्घटना में हुई मौत। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रेती तस्करी में 12 डंपर जब्त। नागपुर के जोन 5 के पुलिस उपायुक्त नीलोत्पल के मार्गदर्शन में सावनेर नागपुर रोड पर अवैध रूप से रेती के धुलाई करते हुए 12 डंपरों को जब्त किया गया। डीसीपी नीलोत्पल को गुप्त जानकारी मिली कि उक्त रोड पर सुबह 6 से 10 बजे तक कुछ ट्रकों में ओवरलोड और डबल ट्रिप करते रेती की अवैध धुलाई की जाएगी। जानकारी मिलते ही डीसीपी नीलोत्पल के निर्देश पर सावनेर नागपुर रोड पर कोराडी थाना अंतर्गत महादुला टी पॉइंट पर वाहनों की जांच शुरू की गई थी, तो वही दूसरी ओर लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन। नागपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने तथा लक्षण नहीं होने पर मनपा की ओर से बाधित को होम क्वारंटाइन का विकल्प उपलब्ध कराया गया है, किंतु ऐसे कई बाधितों द्वारा नियमों का पालन नहीं किए जाने की भनक लगते ही मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी ने इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए। यहाँ तक कि इनके खिलाफ 5,000 रुपए का जुर्माना ठोकने का भी हिदायत दी गई है। होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बुधवार शुरू हुए अभियान के पहले ही दिन 20 बाधितों को कोविड केयर सेंटर और इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। तो वही तीसरी ओर भतीजी की शादी से लौटते वक्त चाचा की दुर्घटना में हुई मौत। भतीजी की शादी निपटा कर अपने गाँव लौट रहे चाचा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा MIDC थाना बुट्टीबोरी में स्टार सर्किल कंपनी के सामने बुधवार की शाम 5 बजे हुआ। मृतक साहब राव चंद्रभान सालवनकर सतनवारी कोंडाली बताया गया। जानकारी के अनुसार साहब राव अपनी भतीजी का विवाह समारोह निपटाकर पैतुक गांव सतनावारी जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार स्टार सर्किल कंपनी के पास अनियंत्रित होकर सामने से एक डिवाइडर से टकरा गई। वाहन तेज रफ्तार में होने से उनके सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही बुट्टीबोरी MIDC पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम हेतु नागपुर रवाना किया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ MNS न्यूज लाइव पर। नमस्कार।